भगवान शिव जी हैं और दूसरे श्री काग गोस्वामी जी हैं, और इन दोनों ने आपका जो स्वरूप देखा है आप उसी रूप में आ जाइए। अब इन्होंने कौन सा रूप देखा है मुझे पता नहीं है, तो भगवान को तुरंत स्वरूप मिल जाता है। और नील सरोरु नील मणि नीर नीर नर श्याम लाज तन शोभा निरखी कोटि कोटि सत काम, प्रभु को निराकार ब्रह्म को आकार मिल जाता है, क्योंकि श्री काग गोस्वामी जी और शिव जी भगवान श्री राम जी के बाल स्वरूप के उपासक है, और लाला ही इनको चाहिए भी था, इसीलिए श्री राम जी तुरंत उसी नील मणि छवि को लेकर के सामने प्रकट हो गए। साथ में परम अहलादनी शक्ति श्री जानकी जी भी है। मनु महाराज जी दौड़ करके चरणों से लिपट गए और प्रभु ने मस्तक पर हाथ रख दिया और कहा कि मांगिए आपको क्या चाहिए। तो आप जब नहीं आए थे ना, तब ये सोच रहे थे कि जब आएंगे ना तो मैं उनको अपना लाला ही बना लूंगा, ऐसा वरदान मांगूंगा, क्योंकि घर में छूटा लाला याद बहुत आता है, तो ये मोह संसार के लाला में ठीक नहीं है, इसलिए भगवान को लाला बना लूंगा ताकि मेरा मोह श्री प्रभु में हो जाए। तो बेचारे सोच तो यही रहते कि लाला बना लूंगा लाला बना लूंगा, और जैसे ही प्रभु सामने आए तो अंदर संकोच और प्रेम दो भाव प्रकट हो गए। ये मांगने जाते हैं तो संकोच टांग पकड़ के खींच लेता, अरे तुम्हें शर्म नहीं आएगी, संपूर्ण ब्रह्मांड का पिता है और पिता को तुम लाला बनाने चले हो, चुप रहो ये नहीं मांगना है। और जब बेचारे चुप हो जाते हैं तो प्रेम के सारे पागल हो गए हो क्या, वो सब कुछ बन सकते हैं, वो लाला बन सकते हैं, पिता बन सकते हैं, गुरु बन सकते हैं, माँ बन सकते हैं, तो मांगो तो सही। तो अब इतने में देर हो रही है, अंत में मनु जी बेचारे घबरा करके सीधे तो नहीं बोल पाए, क्या बोल दिया कि वो ऐसा है कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ, फिर भी डायरेक्ट नहीं बोल पाए कि आप बेटा बन जाओ, आपके समान पुत्र चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा कि जब आपको शर्म आ रही है तो हमको भी देने में शर्म आ रही है। तो प्रभु ने भी गोल घुमाते कहा कि अब देखो मैं मेरे समान ढूंढूंगा तो सदियों बीत जाएगी, क्योंकि मेरे समान मैं ही हूँ तो दूसरा कहाँ ढूंढूंगा, इसलिए मैं वरदान देता हूँ कि मैं खुद आपके घर आऊंगा, लेकिन अकेला नहीं, तीन पहलवान को और साथ में लेकर के आऊंगा, अंशों सहित आपके घर में मैं आऊंगा। तो मनु महाराज जी प्रसन्न हो गए, शत्रुपा जी से कहा देवी आप वरदान मांगो। तो शत्रुपा मैया बुद्धिमान है, इन्होंने तुरंत कहा कि मेरी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। बोले क्या? बोले जब आप मुझे मेरे पति आपको वरदान में पिता बना चुके, बेटा बना चुके हैं, आपने इनको वरदान दिया और यही कहा है ना कि तथास्तु, तो तथास्तु आपने कह दिया है, तो ये आपके ये बेटा आप बनोगे ऐसा नहीं, आप बेटा बन चुके हो, तो आप अगर इनके बेटा बन गए हो तो फिर माँ आप मुझे ही बनाओगे कि कहीं और से खरीद के लाओगे? तो प्रभु ने कहा नहीं नहीं माँ तो आप ही बनोगे। तो फिर कहा कि फिर अच्छा आपने मुझे देवी क्यों कहा है? तो प्रभु ने तुरंत अपने शब्द बदले, बोले हाँ माँ मांगिए। शत्रुपा जी ने कहा कि प्रभु आए हो तो चले भी जाओगे, इसलिए आपको बांधने के लिए एक रस्सी मांगती हूँ, और इनको बांधने की जो रस्सी है वो इनके ही पास प्राप्त होती है और किसी के पास नहीं है, क्या चाहिए? बोले भक्ति रूपी रस्सी आप प्रदान कर दो। तो श्री मनु महाराज जी ने देखा कि तुम मुझसे बहुत आगे निकल गई, तुरंत आए, बोले प्रभु एक वरदान और मांग लो। बोले जब तक खड़ा हूँ तब तक कितने भी वरदान मांग लो। बोले ठीक है, मैं तो यही वरदान चाहता हूँ कि शत्रुपा को डर था कि आए हो तो चले जाएंगे, इसलिए रस्सी मांग ले इनको बांधने के लिए। मैं चाहता हूँ प्रभु कि मेरा तो प्रेम ही आपके चरणों में इतना रहे कि जब तक आप रहो तब तक मेरे शरीर में प्राण रहे, और आप जैसे ही जाओ मेरे शरीर से प्राण निकल जाए। मणि बिनु फनिज में जल बिनु मीना मम जीवन तुम्हें तिमी तुम ही आधीना, मछली का जीवन जो जल के बिना नहीं रहता है वैसा ही मेरा जीवन आपके चरणों में समर्पित रहे। प्रभु ने कहा तथास्तु। शत्रुपा जी और मनु महाराज जी यहाँ से चले जाते हैं। अब श्री भोले बाबा कहते कि प्रभु के अवतार का अगला कारण प्रताप भानु नाम के राजा थे, बहुत धर्मात्मा थे, पुण्यात्मा थे, फिर भी पतन हुआ क्योंकि ये शिकार करते करते लोभ में पड़ जाते हैं, और जो धन कमाते कमाते अगर लोभ में पड़ गए तो लोभ सीधा पहुंचा देता है नरक में। चाहे आप कितना भी धर्मात्मा हो, कुछ भी हो, अगर कमाई करते करते उस पैसे में लोभ हो गया तो लोभ पहुंचा देता है नरक में। प्रताप भानु सुअर का शिकार करने गए तो करते करते अंधेरा हो गया, कर नहीं पाए, तो इनके मन में लोभ आ गया कि आज तो हर हाल में इसको मार करके ही जाऊंगा। बहुत दूरी पर पहुंच गया और स्त्री प्रताप भानु लौटे नहीं, और गलती से ये चुकी है तो कालकेतु नाम का राक्षस था, ये नकली साधु के संगत में पहुंच जाते।
साधु महात्मा से भेंट हुई, उसने बहुत सारी भविष्यवाणी करी, प्रभावित हो गए और इन्होंने ये कामनाएं रख दी कि मैं अजर अमर होना चाहता हूँ, मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता हूँ, मैं किसी से पराजित नहीं होना चाहता हूँ। तो अब ये तीनों चीज कल्पना से परे हैं। संसार में आए हैं तो जाना भी पड़ेगा, संसार में अगर बाल्यावस्था है तो बुढ़ापा भी आएगा, और संसार में अगर जीते हो तो एक न एक दिन हारोगे भी से। और प्रताप भानु जानते थे, लेकिन फिर भी मन में कामना बसा ली। सही साधु के पास में कहते तो वो तुरंत कह देते कि भैया गलत हो, ये सही नहीं है। लेकिन प्रताप भानु कामना भी गलत थी और नकली साधु के पास पहुंच गए, तो नकली साधु ने कहा, हाँ मैं सब सफल कर सकता हूँ, एक शर्त है, मैं आपके घर आऊंगा, भोजन बनाऊंगा और साधु संत ब्राह्मणों को भोजन करवा देना, बस ये तीनों चीज तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। तीन दिन बाद नकली साधु आया, कालकेतु नाम का राक्षस, और इसने भोजन बनाया और उस भोजन में ब्राह्मण आदि का, ब्राह्मणों के लिए मांस का भोजन इसने तैयार किया और सारे लोगों को निमंत्रण राजा के द्वारा दिलवाया। और जैसे सारे ब्राह्मण लोग भोजन करने के लिए बैठे तो पहली आकाशवाणी श्री रामचरितमानस में किसने की है? काल केतु नाम के राक्षस ने की है। क्या कहा? कि उठो ब्राह्मण और संतो, ये जो भोजन आप करने जा रहे हो ना, इस भोजन में मांस मिला हुआ है, ये ठीक नहीं है। ब्राह्मण लोग उठे और कहा कि राजन, हमारे धर्म को नष्ट करना चाहते हो, इसलिए हम आपको श्राप देते हैं कि आप परिवार सहित आपका विनाश होगा और परिवार सहित आप राक्षस बन जाओगे। दूसरी आकाशवाणी में श्री भगवान ने कहा कि ब्राह्मण और संतो, आपने सोच समझ करके इसको श्राप नहीं दिया है, इसमें राजा का कोई दोष नहीं है, ये एक तनु वो जो नकली साधु था काल के तु नाम के राक्षस की ये गड़बड़ी है, इन्होंने गलती नहीं की है। ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु गलती तो हो गई है, पर अब करे क्या, हम यही आशीर्वाद दे सकते कि इसका उद्धार करने आप खुद आना। तो प्रभु ने कहा कि मैं आ भी जाऊंगा, उद्धार भी कर दूंगा, लेकिन साधु संत और ब्राह्मणों, मैंने आपको पहले ही कहा है कि अपनी वाणी को आप लोग संभाल करके इस्तेमाल करो, लेकिन आपने नहीं की है, इसलिए मेरा भी कहना है कि ये राक्षस तो बनेगा लेकिन ये आपके कुल का कलंक बनेगा, ये सबसे ज्यादा आपको ही परेशान करेगा। ब्राह्मण और संतों ने कहा कि प्रभु गलती तो हो गई, अब करे क्या। तो उसी समय प्रभु अदृश्य हो गए और समय आने पर प्रताप भानु का विनाश हुआ, परिवार सहित राक्षस बना है। और इस रावण की दो माँ केकसी, एक माँ से कुबेर जी, त्रिजटा माँ विभीषण जी का जन्म हुआ और केकसी से रावण, कुंभकर्ण और सूर्पणखा का प्रागट्य हुआ। सबने तपस्या शुरू की, ब्रह्मा जी सामने आए, रावण ने कहा ऐसा वरदान दो मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा हमें अमर नहीं है तो हम तोरे अमर कहां से करें। बोले फिर ऐसा वरदान दो कि मानव और वानर के अलावा मुझे कोई मार ना पाए। बोले तथास्तु। उसके बाद में कुंभकर्ण के पास में ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि हे भगवान, मैं बनाते बनाते थक जाऊंगा, अपने खाते खाते नहीं थकेगा, तो इसीलिए सरस्वती माँ से कहा कि जल्दी ऐसी कृपा करो कि इसकी मति मेरे पहुंचने से पहले आप बदल दो, इसकी जीभ पर बैठ जाना। शारदे माँ जीभ पर बैठी, अभी बेचारा कहने जा रहा था कि मैं 6 महीना जगूं और एक ही दिन सोऊं। सबसे पहले सारे विद्यालयों पर आक्रमण किया, सब दूर सब चीज नष्ट कर दी, स्वर्ग से देवताओं को भगा दिया, साधु संतों को मार दिया, यज्ञ हवन आदि सब भंग कर दिए। पृथ्वी माँ घबरा करके देवताओं के पास में आई कि मैं सारा बोझ सहन कर सकती हूँ, लेकिन पापी व्यक्ति का बोझ मैं सहन नहीं कर सकती। देवताओं का, हम तो खुद ही गुफा गुफा में उसके डर के मारे भागे, हम कहाँ जाएं। ब्रह्मा जी के पास में आए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, जो तपस्या करता है उसको उसके हिसाब से वरदान देना पड़ता है। अब ये सोचो कि परात्पर ब्रह्म परमात्मा का प्रागट्य हो और वो संसार में आकर के अधर्म का विनाश करे। तो सारे लोग मिलकर के सोचने लगे, कोई कहता है भगवान साकेत धाम में, कोई कहता है भगवान पृथ्वी पे, कोई कहता है स्वर्ग में, कोई कहता है कहाँ। भगवान शिव जी ने कहा कि प्रभु यहाँ वहां मत ढूंढो, कहाँ है। बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। जहाँ प्रेम से प्रार्थना की जाती है वहीं भगवान प्रकट होते हैं, इसलिए जहाँ खड़े वहीं पर दोनों हाथ जोड़ करके प्रेम से प्रभु की स्तुति करो। तब सारे लोग मिल करके स्तुति शुरू की। राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम।
से जब स्तुति हुई तो निराकार ब्रह्म ने आकाशवाणी द्वारा कहा कि हे देवताओं और पृथ्वी माँ, पृथ्वी आप घबराओ मत, मैं अति शीघ्र संसार में अवतार लूंगा अंशों सहित और इस समस्त पृथ्वी से अधर्म का विनाश करके धर्म की पुनः स्थापना करूंगा और आप सभी के संकट को दूर करूंगा। तो सारे लोग प्रसन्न हो गए और जाने लगते हैं। तो ब्रह्मा जी का पतली गली से निकलो मत, जब अखिल ब्रह्मांड के अधिपति का अवतार इस भूमि पर होगा तो आप सभी लोगों को सेवा के लिए पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, इसीलिए सारे लोग अपने अपने अंशों से अवतार लो। तो सारे लोगों ने अपने अपने अंशों से अलग अलग अवतार लिए हैं। इस प्रकार अब इधर क्या हुआ कि चौथापन आ गया है, श्री महाराज दशरथ जी के घर में एक भी लाला नहीं है। महाराज सोच रहे कि पिछली बार प्रभु ने वरदान दिया है तो उनके हिसाब से आया करेंगे। तो गुरु जी ने, अब भगवान ऊपर बैठे बैठे सोच रहे हैं कि भैया वो तो जो निमंत्रण था वो तो पुराना हो गया है, अब इस समय तू ताजा निमंत्रण तो दे। तो श्री ब्रह्मा जी ने, भगवान सोच रहे कि निमंत्रण दे तब होगा, और इधर गुरु जी ने सोचा कि राजा तो सोच रहे हैं कि चौथापन भले आ गया लेकिन वरदान दिया है तो आएंगे। तो इसीलिए श्री प्रभु ने कहा कि इस बार निमंत्रण दे, याद करे तब तो मैं आऊं। गुरु जी छोटे से बालक को लेकर के आए श्री राजा दशरथ जी के पास में, और जैसे श्री महाराज दशरथ जी के पास में लाए, धीरे से उस बालक को चिकोटी काट दी, और जैसे ही उस बालक को चिकोटी काटे वो बालक जोर से रोने लगा, और जब वो बालक जोर से रोने लगा तो गुरु जी बार बार उसको चुप कर रहे हैं, वो चुप ना हो रहा है। तो श्री वशिष्ठ महाराज जी से पूछा कि गुरु जी आप तो ब्रह्म त्रिकालदर्शी हो, आप तो खुद ही मन से अंदाज लगा सकते हो कि को रो रहा है। गुरु जी का बिना अंदाज लगाए बिना देखे बताओ। बोले हाँ। बोले इसलिए रो रहा है कि पिताजी आप यजमान हो तो आप पुरोहित हो तो आपके यजमान तो श्री महाराज दशरथ जी सामने है, लेकिन आने वाले समय का पुरोहित मैं हूँ तो मेरे यजमान का तो अभी तक ठिकाना नहीं है। मानो गुरु जी याद दिला रहे चेला को कि भैया इस अवतार में कम से कम उनको याद तो कर। याद आ जाती श्री महाराज दशरथ जी को, जो याद दिलाना थी कि इस अवतार में भी इस जन्म में भी उन्हें कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो यह कहलवा करके, याद दिलवा करके गुरु जी आश्रम में चले जाते हैं, और श्री महाराज दशरथ जी मन ही मन में उदास हो जाते हैं। तुरंत दौड़ करके आचरण में पादुका नहीं पहनी है गुरु जी ने, महाराज दशरथ जी ने, शीश पर मुकुट नहीं है, ना कोई सेना है, ना कोई रथ है, ना घोड़ा है, कुछ नहीं है, गुरु जी के आश्रम की ओर दौड़ते हैं। जब भगवान की भक्ति चाहिए तो संतों के पास कैसे जाओ? बोले सारा धन पद वैभव को त्याग करके जाओ तब भक्ति मिलेगी, और अगर गाड़ी बंगले के लिए जाओ तब तो ठीक ही है। महाराज को तो प्रभु चाहिए थे इसलिए अकेले जाते हैं। गुरु जी ने कहा राजन मैं तो चाहता हूँ आपके घर प्रभु अंशों सहित आएंगे, लेकिन आपको हवन करना पड़ेगा। पुत्रेष्ट पुत्र कामेष्ट यज्ञ हुआ श्रृंगी ऋषि के द्वारा। यज्ञ नारायण खीर लेकर के बाहर निकले, उस खीर को तीन भाग में बांटा श्री महाराज दशरथ जी ने। सुमित्रा मैया के हाथ से खीर चीर ले गई, इस वजह से सुमित्रा माँ को माँ केकई ने और कौशल्या मैया ने अपना भाग निकाल करके दिया, इसलिए माँ के घर दो दो लाला हुए हैं। अब जिस दिन से श्री भगवान नीलमणि आए गर्भ में श्री प्रभु का निवास हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि गर्भ का पवित्र रहता भगवान कैसे आ गए, तो देखो गर्भ भी एक बार भगवान के पास में जाकर के रोया था कि संसार में साधु महात्मा लोग रोज मेरी बुराई करते हैं कि गर्भ खराब है, गर्भ में नहीं आना चाहिए, गर्भ खराब है, तो जब मैं इतना ही खराब हूँ तो मुझे आपने बनाया क्यों? तो भगवान ने कहा कि जब मैं आशीर्वाद देता हूँ कि दुनिया के लोग भले तुम्हारी बुराई करे, लेकिन एक दिन मैं तुम्हारे इसमें आऊंगा तो संसार के लोग तो ठीक है, ये सारे साधु महात्मा और देवता भी तुम्हारी स्तुति करेंगे। इसीलिए भगवान जिस स्थान पे आ जाए, सीधा सा अर्थ है कि वो स्थान अपवित्र कैसे रह सकता है, वो स्थान तो दिव्य हो जाता है, वो समय दिव्य हो जाता है। गर्भ अवस्था में प्रभु पधारे तो संपूर्ण पृथ्वी दुल्हन की तरह सज गई। अभी तक कैसी थी? बोले उजड़ी हुई थी रावण के डर के कारण, लेकिन अब कौन रावण की चिंता करे, अब पूरी सृष्टि हरी भरी हो गई है। अयोध्या दुल्हन की तरह सज गई, सारे संत महात्मा अयोध्या की तरफ जा रहे हैं, सारे लोग अयोध्या की तरफ जा रहे हैं, तीर्थों का जल सारा सरयू माँ में बहने लगा है, और जिस तीर्थ के जल को जगह नहीं मिली सरयू माँ में, क्योंकि सरयू माँ का पानी बहुत ज्यादा हो गया, तो वो सारे तीर्थ माँ सरयू के घाट पर स्थिर हो गए, और घाट
बन गए। बोले घाट पर बैठ करके हम दर्शन कर लेंगे। सारे संतों की टोलियां अवध धाम में जा रही है, सारे देवतालो अयोध्या में आ गए हैं। और इधर श्री नारद जी वीणा बजाते निकले। माता अयोध्या से पूछा, आप इतनी प्रसन्न क्यों हो? तो माँ अयोध्या ने कहा कि मेरे प्रभु का चरण विन्यास मेरे ऊपर रहेगा ना, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। माँ सरयू माँ कलकल निनाद कर रही है, पूछा आप इतनी आनंद में क्यों हो? तो माता सरयू ने कहा कि मेरे प्रभु आएंगे ना तो हमारे किनारे तो बाल लीला करेंगे, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। वृक्षों से पूछा आप इतना क्यों झूम रहे हो? बोले हम इसलिए झूम रहे हैं क्योंकि हमारे जब सरकार आएंगे तो उनके घुंघराले घुंघराले बालों पर हम अपने पुष्पों से उनका श्रृंगार करेंगे, इसलिए हम आनंद में हैं। संपूर्ण मुहूर्त सारे जितने भी अष्ट सिद्धियां है वो रोडों की सफाई करने लग गई है। अब देखो एक साधारण कोई नेता है या साधु संत आए तो कितनी सफाई हम सामान्य लोग करते हैं, इतनी सफाई होती है सब एकदम चारों तरफ सफाई हो जाती है। तो अखिल ब्रह्मांड का अधिपति का आगमन जब पृथ्वी पर होता है ना तो साक्षात अष्ट सिद्धियां ही सेवा में लग जाती है, चारों तरफ सफाइयां हो रही है, चैतन्य पूरी सृष्टि हो गई है। और उसी समय सारी तिथियां प्रभु के सामने आकर के खड़ी हो गई। तिथियों ने सोचा कि जिस तिथि में भगवान का आगमन हो जाएगा वो तिथि संपूर्ण जगत की वंदनीय हो जाएगी, इसलिए पहली तिथि आई, प्रभु आप मेरे इसमें आइए ना। तो श्री राम जी ने कहा कि मैं तो खाली स्थान को भरने आता हूँ, भरे हुए को भरने नहीं आता हूँ, आप तो पहले से भर रही हुई है। द्वितीय आई, प्रभु मेरे इसमें आ जाइए ना। तो प्रभु ने कहा बीज के रूप में पहले ही पूजनीय हो, हम आपके इसमें नहीं आ सकते। तृतीय आई, प्रभु मेरे इसमें आइए ना। प्रभु ने कहा हड़ताली बीज के रूप में वैसे ही पूजनीय हो, इसमें हम नहीं आ सकते। चतुर्थी आई, प्रभु मेरे इसमें आइए। प्रभु ने कहा गणेश चतुर्थी के रूप में पूजनीय हो, और मैं भरे स्थान में नहीं आता हूँ, मैं तो खाली हृदय में आता हूँ, इसलिए आपके इसमें नहीं आ सकता। पंचमी आई, प्रभु मेरे इसमें आ जाइए ना। प्रभु ने कहा आप तो बसंत पंचमी के रूप में पूजनीय है, हम आपके इसमें भी नहीं आ सकते। छठ आई, प्रभु मेरे इसमें आइए ना। प्रभु ने कहा आप हल षष्ठी के रूप में पूजनीय है, हम आपके इसमें भी नहीं आ सकते। सप्तमी आई, प्रभु ने कहा दुर्गा सप्तमी के रूप में पूजनीय हो आप, इसलिए आपके इसमें भी नहीं आ सकते। और अब सबसे पीछे अष्टमी तिथि खड़ी है। भगवान का कब आते हैं कि जब ये हृदय सांसारिक मोह से एकदम मुक्त हो जाता है और प्रभु के वियोग में रोने लगता है कि अब सरकार ये जो सिंहासन है आपके लिए है, तब भगवान आते हैं। तो सारी तिथियों में भगवान को ये सब खूबी नहीं दिखी, अष्टमी तिथि में लग रहा है कि हृदय तो खाली है लेकिन अभी इनको मेरे वियोग में आंसू नहीं आए हैं, और जब तक आंसू नहीं आते हैं तब तक मैं आने वाला नहीं हूं। हम संसार के लिए रोते तो भगवान नहीं आते हैं, भगवान के लिए ही रोना पड़ेगा तब भगवान आते हैं। तो अष्टमी तिथि खड़ी तो है लेकिन रोना नहीं आ रहा है। प्रभु ने कहा कि अभी एक अवतार की एक कल्प की अभी आवश्यकता है, वेट करना पड़ेगा इनको ताकि तब तक रोना भी आ जाएगा और मेरा अवतार का समय भी हो जाएगा। देवी मैं इस बार तो नहीं, अगली बार वचन देता हूँ कि तुम्हारे इसमें आऊंगा, इसीलिए मेरा आशीर्वाद है कि अगले अवतार में आऊंगा। अब प्रभु ने अष्टमी तिथि को भी आगे बढ़ा दिया। सबसे पीछे नौमी तिथि खड़ी है, नौ का अंक पूर्णांक है, दोनों हाथ जोड़ करके नौमी तिथि खड़ी है। आंखों से अश्रु की धारा बह रही है, प्रेम अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तब वहाँ वाणी और शब्द बंद हो जाते हैं। नौमी तिथि बोल नहीं रही है कि आओ कि नहीं आओ, केवल अश्रु बह रही है कि प्रभु आओ तो आपकी मर्जी, नहीं आओ तो आपकी मर्जी। हृदय खाली है, आंखों से आंसू बरस रहे हैं। प्रभु ने ध्यान से देखा कि मेरे लिए आंसू आ रहे हैं, एकदम सिंहासन पूरी तरह से खाली है। तो प्रभु ने कहा कि रोना भी आ गया है और यही परफेक्ट है। तो श्री राम जी ने नौमी तिथि, नौ का अंक पूर्णांक है, नौमी तिथि को प्रभु ने चुना है। सारे जितने भी ग्रह नक्षत्र मुहूर्त सब अनुकूल हो गए हैं और उसी समय सूर्य मध्य में है, और श्री भगवान ने तुरंत मन में सोचा कि इसी तिथि में जाना है। तुलसीदास महाराज जी ने लिख दिया क्या, नौ